फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय YouTube चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल, यानी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, हम सब के अंदर एक कॉमन क्वेरीज होती है कि अगर हम इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहां पे सैलरी का क्या डिमांड करेंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला सैलरी पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। सैलरी अगर आपसे पूछा इंटरव्यूअर ने, तो आप समझ लेना कि 80% वो आपको पसंद कर चुका है। मींस आपका टेक्निकल, आपका एचआर, जो भी रहेगा, अगर आपसे सैलरी के बारे में डिस्कस कर रहा, मींस दे वांट टू हायर यू। लेकिन अगर नहीं पूछ रहा है, तो समझो कि थोड़ा दाल में कुछ काला है। अब सैलरी पूछा उसने और आपने ऐसा आंसर दे दिया कि उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा अक्सर होता है, आपने देखा होगा, कई इंटरव्यू दिए होंगे। मैंने भी स्टार्टिंग में लगभग 25-30 इंटरव्यू में मैं सिर्फ और सिर्फ सैलरी की वजह से रिजेक्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि पढ़ा था तुरंत तुरंत, बीटेक भी जो भी किया, उसके बाद अब तुरंत पैकेज पूछ रहा था लोगों से, ये पैकेज चाहिए, पैकेज चाहिए, इससे नीचे मुझे नहीं चाहिए। वो एटीट्यूड होता है कॉलेज वाला, वही था। तो लगभग 20-25 इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट होता चला गया। कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, हर जगह इंटरव्यू दिया, हर जगह रिजेक्ट हो रहा था। बाद में मुझे समझ आया कि भाई, पैसा नॉलेज का मिलता है, पैसा डिग्री का नहीं मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको वहां पे आंसर क्या करना है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आंसर क्या करना है, मेरी अभी जो करंट सैलरी है वो एज ए साइट इंजीनियर 20,000 है, डिजाइनिंग में मैं जाऊंगा तो मैं उनको बोलूंगा मुझे 25,000 दे दो। नहीं देंगे, यू नो व्हाई? क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, एक साल डेढ़ साल का जो भी एक्सपीरियंस है, दैट एक्सपीरियंस इज इन साइट। अब साइट का बंदा जो है वो डायरेक्ट जाके डिजाइन थोड़ी करने लगेगा। तो आप उनसे ये डिमांड नहीं कर सकते कि माय करंट सैलरी इज 20,000, आई वांट मोर देन दैट। अगर ऐसा डिमांड करते हो तो आप समझ लो कि आप खुद से अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो कभी भी ये आंसर मत करो कि मेरा इतना था, इतना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका डोमेन चेंज है। आप साइट के जॉब पे थे, फिर साइट पे जा रहे हो, डेफिनेटली मांगो आप और आपको मिलेगा। डिजाइनिंग के जॉब पे थे, फिर डिजाइनिंग में जा रहे हो, डेफिनेटली मिलेगा। बट अगर ब्रांच चेंज कर दिया है तो थोड़े दिन आपको कंप्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा, थोड़े दिन आपको कम पैसे में काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए? सपोज दे आस्क लाइक, व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? सो अब आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग उसका राइट आंसर होना चाहिए एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स। अब सामने वाला अगर समझदार रहेगा, ऑफ कोर्स होता ही है, तो सामने वाला अगर समझदार है तो वो समझ जाएगा कि भाई, जो इंडस्ट्री में रेट चल रहा है वही इस बच्चे को चाहिए, तो अच्छा है, इसमें बुरा क्या है। लेकिन कभी कभी इस आंसर में थोड़ा सा लोग चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? एज पर कंपनी नॉर्म्स। और इसका मतलब आप नहीं समझ पाते हैं। एज पर योर कंपनी नॉर्म्स अगर आपने बोल दिया, इसका मतलब उस कंपनी में उसने जो डाटा सेट किया होगा वही आपको ऑफर करेगा। अब वो डाटा चेंज कर सकता है, वो आपको बोल सकता है 5,000 लोगे और आप हैप्पी नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि उसने अभी अभी डाटा चेंज कर दिया। क्यों? एज पर योर कंपनी नॉर्म्स मतलब मेरा जो मन करेगा वो मैं दूंगा। तो डेफिनेटली कभी भी ये मत बोलो कि एज पर योर इंडस्ट्री, योर कंपनी, नो। आपको बोलना है एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स, पहला चीज। दूसरा चीज, कभी कभी कई एचआर को मैंने देखा हुआ है कि वो आपको क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि आप नंबर से बताओ हाउ मच यू वांट। वो जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या सैलरी लोगे। और यहाँ पे काफी हद तक लोग पास भी हो जाते हैं और काफी लोग तो रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी आप ज्यादा पैसे मांग लेते हो और कंपनी उतना नहीं देने वाली होती है, और कभी कभी आप कम पैसे मांग लेते हो, कंपनी आपको ज्यादा देने वाली होती है। मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है, मेरे एक स्टूडेंट के साथ, तो मैं बता सकता हूं आपको। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कम या ज्यादा नहीं करना है। तो कैसे पता करोगे कि उस कंपनी के लिए क्या स्टैंडर्ड्स है, मीन्स उस कंपनी में क्या सैलरी मांगनी चाहिए? तो उसके लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर जो मैं यूज करता हूं वो है glassdoor.com। आप glassdoor.com पे जाओ, वहां पे आप कंपनी का नाम डालो। जैसे कंपनी का नाम डालोगे, उसके सारे रिव्यू आ जाएंगे, मतलब कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी। अब थोड़े बहुत नेगेटिव रहते हैं, उनको माइंड मत करना, क्योंकि हर कंपनी से हर कोई खुश नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन अगर 60% पॉजिटिव है, मतलब वो कंपनी अच्छी है, इसको ध्यान देना। दूसरी चीज, वहां पे ही जाके आपने रिव्यू चेक किया, वहीं पे बगल में आपको रहेगा एवरेज सैलरी, मींस एवरेज कितनी सैलरी दी जाती है इस कंपनी में। तो काफी लोग अपना फीडबैक वहां पे डाल के रखते हैं, उनसे आप आइडिया ले लो कि अच्छा, ये माना जा रहा है। चलो, वहां से आइडिया ले लिया आपने, मान लो किसी ने बोला एवरेज सैलरी इज 20K,
अब कंपनी में जाके आप ये मत बोलो कि आई वॉन्ट अ 20K, नहीं, आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी दो। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे देना है दोस्तों? फ्लेक्सिबिलिटी देना है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम मांगो। जैसे आप मांग सकते हो 15 to 20, आई वॉन्ट बिटवीन 15 to 20। अब क्या हुआ, अब कंपनी वाले आपस में डिस्कस करेंगे कि यार इसको 15 देना चाहिए कि 16 देना चाहिए कि 18 देना चाहिए कि 20 देना चाहिए। लेकिन अगर आपने 20 मांगा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि सामने वाले को आप 20 अगर नहीं दे पाएगा तो आपको रिजेक्ट कर देगा, और आपको मान लो उससे ज्यादा देने वाला होता तो गड़बड़ हो जाता आपके साथ। तो वैसे याद रखो कि हमको बोलना है रेंज में, अगर उन्होंने पूछा है तभी रेंज देना है। और रेंज कैसे, आपने वहां से देख रखा है glassdoor.com से, और उसी हिसाब से आप रेंज लो 15 to 20। और अगर आपसे नहीं पूछा रेंज, सिर्फ पूछा है कि व्हाट योर सेलिंग एक्सपेक्टेशन, तो आपको सिर्फ यही बोलना है एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स। याद रखो इस चीज को। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है कि आपकी डिग्री कुछ और है, आपको देने वाले कुछ और है, और डिप्लोमा वाला भी वही मांग रहा है, बीई वाला भी वही मांग रहा, और एमई वाला भी वही मांग रहा है, कैसे हो सकता है फिर? और आईटीआई वाला भी वही मांग लेगा, फिर पंगा हो जाएगा। आपको समझ के रखना है। आपको मैं थोड़ा सा सैलरी बता देता हूँ, कौन से रेंज में आपको सैलरी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो देख लेना अगर वो एमएनसी है, अगर वो एमएनसी है तो याद रखो आप 30 मांग सकते हो उनसे एज अ फ्रेशर। तो उनको आप बोल सकते हो 25 to 30,000, एमएनसी की बात कर रहा हूँ मैं, 25 to 30,000। बट अगर वो मिड लेवल कंपनी है, ये मैं एक बी वाले लेवल पे बता रहा हूँ, मिड लेवल कंपनी है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा 15 to 20। और अगर वो स्टार्टअप कंपनी है तो आपको बोलना पड़ेगा 12 to 15। कितना बोलना पड़ेगा? 12 to 15। इससे ज़्यादा आप मांगेंगे तो सामने वाला एफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अभी अभी कंपनी को खोली हुई है। अब एमटेक वाले सोच रहे होंगे सर हम क्या आंसर करेंगे, तो आप आंसर कर सकते हो अगर वो कंपनी प्योर स्ट्रक्चर की है। आप एमटेक स्ट्रक्चर में डेफिनेटली किए होंगे तभी हमारे चैनल पे हैं। तो अगर आपने स्ट्रक्चर में किया है तो आप उनको बोल सकते हैं कि 30 to 35,000, बट एमएनसी होनी चाहिए। और अगर मिड लेवल कंपनी है तो आप वहाँ पे 20 to 25,000 आराम से बोल सकते हो, एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, 20 to 25,000 आप आराम से बोल सकते हो। और अगर वो स्टार्टअप कंपनी है तो आपको स्टैंडर्ड सैलरी बोलनी चाहिए 15 to 20। अब उसके बीच वो जो देंगे वो आप ले लो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मांगोगे तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा कभी कभी कंपनी बोलती है कि हम आपको 6 month ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मैं आपको 8,000, 10,000 या 12,000 कुछ दूंगा, आफ्टर दैट योर पैकेज इज 2.2, 2.4, whatever। तो आप उनको हमेशा बोलना है यस सर आई एम ओके विद दैट। क्यों? क्योंकि 6 month आपको वो सिखाने वाले हैं, और जो सिखा रहे हैं तो अगर उस टाइम पे आपको एज ए स्टाइपेंड 10,000, 8,000 दे रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि एज ए बैचलर, मैं खुद ही बैचलर हूँ, और 8,000 रुपये में आराम से हो जाता है। बहुत खर्चा लगता है तो 10,000 रुपये, 10 के ऊपर नहीं लगता है, तो आप भी समझ सकते हो कि आप सर्वाइव कर सकते हो 6 महीने। घर वालों को बोलो इसके बाद हम कर लेंगे, मतलब इसके बाद हम आपको सपोर्ट कर देंगे 6 month। और दूसरी चीज़ ये बताऊँ क्या, सिविल इंजीनियर की जो जॉब है इसमें इतनी अच्छी चीज़ ये है कि आप पार्ट टाइम बहुत काम कर सकते हो, बहुत, सिर्फ काम सीख लो, आप जॉब भी कर रहे हो साथ में कुछ भी कर सकते हो, किसी के भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, घर पे बैठ के लैपटॉप पे बैठ के प्रोजेक्ट करो, पैसे कमाओ। तो इतना कोई टेंशन नहीं है कि आपको सैलरी पे ही जीना है। सैलरी हाँ चाहिए, रेगुलर बेसिस पे एक फिक्स इनकम रहती है, क्योंकि प्रोजेक्ट कभी मिला कि न मिला, इस वजह से जॉब करनी चाहिए। बट जैसे ही आपका एक लेवल बन जाए कि अभी लोग मार्केट में जाने लगे तो नॉट रिक्वायर्ड कि आप जॉब ही करो। अब आप सोच सकते हो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि आपको सैलरी क्या बोलनी है। अब डिप्लोमा वाले भी सोच रहे होंगे, उनके लिए बता देता हूँ। डिप्लोमा वालों को हमेशा याद रखना, अगर आपकी जो कंपनी है वो एमएनसी है तो वो आप उनको बोल सकते हो 18 to 22। 18 to 22 एक स्टैंडर्ड सैलरी होती है एक एमएनसी के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। जैसे कि मेरा एक दोस्त है एक एमएनसी में, तो उसने भी ये पाया है। कभी कभी इससे ज़्यादा भी रहता है, इट्स नॉट लाइक कि इस फिक्स, बट मैक्सिमम एवरेज यही आपको बोलना है। अगर मिड लेवल कंपनी है तो आपको वहाँ पे बोलना है 13 to 18,000, उसके बीच में जो दे देगा बेस्ट है एज अ फ्रेशर। और उसके बाद अगर आपने अभी छोटी सी कंपनी में गए हो तो आप 10 to 13, 10 to 15 इस तरह का आंसर दो, तो जो भी उन देने वाले होंगे दे देंगे। बट पहला आंसर आपका यही होना चाहिए एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स, प्लीज़ यही बोलना। एज पर योर कंपनी नॉर्म्स कभी मत बोलना, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान देना। सामने वाले नंबर पूछा तो मैंने आपको नंबर बता दिया। अब कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाऊं कि ना जाऊं। क्यों?
पता नहीं कैसी कंपनी होगी, मुझे 200 किलोमीटर ट्रेवल करके जाना है, और पता चला कंपनी खराब हो तो। हाँ यार ऐसा होता है कभी कभी कि हम खराब कंपनी के लिए, और कभी कभी अच्छी कंपनी को इसी चक्कर में छोड़ देते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप glassdoor.com पे जाओ और वहां पे आप रिव्यू चेक कर लो कंपनी का। कंपनी का नेटवर्थ भी कई कई ढेर सारे लोग प्रेजेंट करके रखते हैं, कितना इनका इनकम है। क्या होता है देखो, कंपनी का जो सैलरी होता है वो डिवाइड होता है उसका टर्नओवर में। हमेशा याद रखो, जब टर्नओवर तब अच्छा हो, जैसे ही इस कंपनी का अच्छा होगा उसके हिसाब से उसकी सैलरी होगी। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। ऑफिस बॉय आप समझते होंगे, आपके भी घर के अगल बगल लोग ऑफिस बॉय होंगे। ऑफिस बॉय की जो सैलरी होती है नॉर्मल इंडियन कंपनी में वो होती है 8 to 10,000, 12,000 मैक्सिमम, 12 है और मैक्सिमम 8 to 12, 8 to 10 ही होता है। लेकिन एक कंपनी है किंडर जॉय, आप सबने चॉकलेट खाई होगी किंडर जॉय की, उस कंपनी जर्मन की कंपनी है, उस कंपनी का जो ऑफिस बॉय है उसकी सैलरी 25,000 रुपया होती है। 25, अब आप बोलोगे सर वो तो मेरे से अच्छा है, मैंने तो बी कर रखा है, वो मेरे से ज्यादा ले रहा है, आप इतना कम सैलरी मांग रहे। नहीं यार, उसका जो टर्नओवर है किंडर जॉय का बहुत ज्यादा है, बिलियंस में है। मुझे लगता है 30 to 40 billion टर्नओवर है उसका। तो जब इतना टर्नओवर है उसके हिसाब से उसका सैलरी का ग्रेड ऐसे ही है कि ऑफिस बॉय को ही इतना देना है। मार्केटिंग वालों को आप समझ जाओ कितना देते होंगे, तरह तरह के पोजीशंस के लिए अलग अलग। तो हमेशा याद रखो कि जो सैलरी डिपेंड होती है वो कंपनी के टर्नओवर पे, इसीलिए मिड लेवल, एमएनसी और स्टार्टअप चेक किया जाता है कि कितना टर्नओवर है, उसके हिसाब से हम सैलरी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो ध्यान देना, सैलरी आपको रिजेक्ट भी कर सकती है और आपको जॉब भी दिला सकती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ फिर मैं जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल है। तो प्लीज थोड़ा सा और सपोर्ट बढ़ा दो, जल्दी से 10K कर दो। मुझे आपको मैनुअल डिजाइनिंग पढ़ानी है और ही बहुत कुछ है, तो जल्दी जल्दी से 10K कंप्लीट करो, फिर मैं और बड़े लेवल पे इसको करने की कोशिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।